दोस्तों आज हमारे पास कुछ लोग आए थे और कई बार कॉल भी आए कि हमारी मशीन का रफ्तार बहुत कम है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो आज इसी विषय पे हमारा वीडियो है कि मशीन का रफ्तार कैसे बढ़ाएं। तो कुछ लोग आए भी है यहाँ पे, तो हमारे मशीन का जो रफ़्तार देख के उन्हें दंग रह गए कि आपका रफ्तार इतना कैसे है, क्योंकि हमारी मशीन का रफ्तार जो है एक घंटे में इसमें मैक्सिमम 2000 से 2500 पीस निकलता है, चाहे वो 4 नंबर कटोरी हो या 7 नंबर हो या 10 नंबर हो, तो हमारा इस हिसाब से निकलता है। तो वही चीज़ देख के उन्हें लगा कि हमारा मशीन का स्पीड बहुत कम है, फिर तो इनका तो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो हमसे बोले कि हमारा भी कुछ ऐसा बताइए कि हमारा भी मशीन का रफ्तार बढ़ सके और हम भी प्रोडक्शन अच्छा खासा कर सके, क्योंकि हम लोग का जो मशीन का स्पीड है वो कम रहता है, इस वजह से हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं कि मशीन का स्पीड कैसे बढ़ाया जाए और उसको कैसे रफ्तार में किया जाए ताकि अच्छा खासा प्रोडक्शन मशीन दे सके, क्योंकि स्पीड कम हो या ज़्यादा हो बिजली तो आपको उतना ही लगना है, लेबर आपका उतना ही लगना है। तो अगर उतना ही लेबर उतना ही बिजली में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पीस ज़्यादा तैयार होगा, तो आप ज़्यादा अर्निंग करेंगे। तो इस हिसाब से लोग हर कोई परेशान रहता है। तो कुछ नहीं करना होता, सिंपली इसमें छोटा सा काम होता है, बस हम आपको आइए हम बताते हैं कि कैसे किया जाता है। क्योंकि जब भी कोई मशीन लेकर के आता है तो उसमें उनको जो है मशीन का स्पीड जो होता है रफ्तार तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1200 पीस का होता है, और नया लोगों को ये पता नहीं होता कि उसको बढ़ाया कैसे जाए, तो इसीलिए लोग परेशान होते हैं। तो इसको आप 1000 से 3000 तक स्पीड, 4000 तक स्पीड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि आपको कितना पीस बढ़िया निकल रहा है। आइए हम बताते हैं कि कैसे इसको मशीन का स्पीड बढ़ाया जाए, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हाँ तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने मशीन के पास और यहाँ पर हम आपको बताएँगे कि मशीन का स्पीड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बताए थे अभी हम कि सब लोग परेशान रहते हैं। तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई बड़ा वो नहीं है, बस छोटा सा काम है एक प्रोडक्शन बढ़ाने का। ये जो आप पुल्ली देख रहे हैं ये पुल्ली से ही इसका स्पीड बढ़ता है, पुल्ली से ही प्रोडक्शन बढ़ता है पीस का, जो कि घंटे का 3000 मशीन निकालती है और 1000 भी निकालती है। तो अगर यदि आपको 1500 से 2000 का स्पीड करना है, 1500 से 2000, तो आप 2 इंच का लगाइए, और 2000 से 2500 के बीच का 3 इंच का पुली लगाइए। कुछ नहीं, बस हार्डवेयर दुकान पे जाना है, ये पुली दूसरा लेकर के आना है और पुली ला करके इसमें सेट कर देना है, इसका रफ्तार आपको ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि यहीं से इस मशीन का रफ्तार घटता भी है और यहीं से बढ़ता भी है। और कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है कि आपको परेशानी होगा या किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, ये आप आराम से खुद भी घर में कर सकते हैं और आप अच्छा खासा प्रोडक्शन इसका बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको ठीक लगे। और पुल्ली चेंज करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रहे कि इसका जो नट है ये वाला, ये जो इसका नट है ये वाला, इसको आपको अच्छी तरह से टाइट करना है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा भी ढीला छोड़ देते हैं तो जैसे ही पुल्ली चेंज करके आप मशीन चलाएंगे तो आपका मशीन में आवाज़ बहुत तेज़ होगा, फिर कहीं आप परेशान हो के पुल्ली ना चेंज हटा दे कि वही पहले वाला ठीक था।